लक्ष्य क्लासेस के चैनल पर आप सभी का स्वागत। वी लेन वाला जो चैप्टर है उसका एक और नया वीडियो आपके लिए। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रासरण एवं प्रासरण दाब। कि प्रासरण क्या होता है, प्रासरण दाब क्या होता है, इसको पूरी तरह अच्छे से समझने वाले हैं। तो बेटा आज बात करने वाले हैं प्रासरण के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको प्रासरण समझाऊंगा और देन आपको प्रासरण दाब के बारे में बताऊंगा। तो प्रासरण क्या होता है इसको समझाने के लिए मैं, प्रासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। और इसकी डेफिनेशन समझाने के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक सिस्टम तैयार कर रहा हूं, जिसमें क्या है कि सर जी यहां पर आपने बीच में एक झिल्ली लगा दी। और बेटा ये जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को कहा जाता है अर्थपारगम्य झिल्ली, एसपीएम। यह आपकी कौन सी झिल्ली होती है, अर्थपारगम्य झिल्ली, अर्थपारगम्य झिल्ली, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एसपीएम। एसपीएम है ये, एसपीएम। और इधर मैंने भरा यहां पर एक, यहां पर क्या भरा बेटा, शुद्ध विलायक, यहां पर भर दिया शुद्ध विलायक। ये इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैंने यहां पर शुद्ध विलायक भर रखा है, ये शुद्ध विलायक। और इसके अंदर मैंने क्या भर रखा है, विलयन सॉल्यूशन भर रखा है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। और ये विलयन है, और विलयन में क्या क्या होते हैं, विलयन में भी या विलय होते हैं और विलायक होता है, विलय और विलायक होता है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जैसे ये शुद्ध विलायक है, इसकी कंसंट्रेशन को क्या मान रहा हूं मैं, C1 कंसंट्रेशन, और इसकी कंसंट्रेशन को क्या मान रहा हूं, C2 कंसंट्रेशन। मतलब विलायक की सांद्रता कितनी है C1 और विलयन की सांद्रता कितनी है C2। अब मैं आपसे पूछूं भाई C2 की C2 ज्यादा है या C1, तो मैं आपको बताऊंगा कि C1 से ज्यादा क्या है बेटा, C2 है। ऐसा क्यों है, मतलब ये जो आपका शुद्ध विलायक है इसकी सांद्रता कैसी है, निम्न सांद्रता है, और आपके विलयन की सांद्रता कैसी है, उच्च सांद्रता है, उच्च सांद्रता है। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली है ना, इसकी एक विशेषता है, इसके अंदर से केवल विलायक के अणु पार कर सकते हैं, विलय के अणु पार नहीं कर सकते। तो विलायक के अणु तो विलयन में भी है और विलायक के अणु शुद्ध विलायक में भी है। लेकिन एक चीज बता दूं बेटा, यहां पर सांद्रता विलयन की ज्यादा इसलिए है क्योंकि बेटा सांद्रता हमेशा विलय की ज्ञात की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सांद्रता के बारे में बात हो तो सांद्रता किसकी ज्ञात होती है, ओनली सर जी सांद्रता विलय की देखी जाती है। तो यहां से क्या होगा कि जो शुद्ध विलायक के अणु हैं वो किधर जाएंगे बेटा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाएंगे, किसमें से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। तो आप डेफिनेशन बता सकते हो प्रासरण की, डेफिनेशन क्या बता सकते हो प्रासरण की, डेफिनेशन क्या बता सकते हो प्रासरण की, डेफिनेशन आप बता सकते हो कि शुद्ध विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की उच्च सांद्रता की ओर विलयन में प्रवाह होना क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रासरण कहलाता है। प्रासरण किसे कहते हैं कि सर शुद्ध विलायक के अणुओं का निम्न सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता की ओर विलयन में प्रवाह होना क्या कहलाता है, प्रासरण। या बेटा इसकी डेफिनेशन आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि शुद्ध विलायक के अणुओं का प्रवाह
शुद्ध विलायकीय अणुओं का प्रवाह, शुद्ध विलायकीय अणुओं का प्रवाह विलयन की ओर होना, विलयन की ओर होना, विलयन की ओर होना क्या कहलाता है? विलयन की ओर होना प्रासरण कहलाता है। विलयन की ओर होना क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। बेटा आप सब जानते हो कि निम्न सांद्रता होती है विलायक अणुओं का, और ये अर्धपारगम्य झिल्ली में इतने सूक्ष्म छिद्र होते हैं कि केवल इस कौन से अनुपार कर सकते हैं, विलायक के अनुपार कर सकते हैं, और विलयन में जो सांद्रता निम्न है उसमें पार कर जाएंगे, और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी बेटा? प्रासरण कहलाती है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। सर अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अर्धपारगम्य झिल्ली जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं सेमी प्रीएमेबल, सेमी प्रीएमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या होती है इसके बारे में बता रहा हूं कि सर ये झिल्ली है, तो ये झिल्ली कैसी नजर आती है कि एसपीएम, एसपीएम सतत सीट, सतत सीट मतलब परत, एसपीएम सतत सीट या फिल्म की तरह, फिल्म की तरह प्रतीत होती है, फिल्म की तरह प्रतीत होती है, फिल्म की तरह प्रतीत होती है जिसमें क्या होते हैं, फिल्म की तरह प्रतीत होती है जिसमें सूक्ष्म छिद्रों का जाल होता है, जिसमें सूक्ष्म छिद्रों का, जिसमें सूक्ष्म छिद्रों का नेटवर्क होता है, जिसमें सूक्ष्म छिद्रों का नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब जाल, जिसमें सूक्ष्म छिद्रों का नेटवर्क होता है, मतलब एक परत होती है, एक फिल्म होती है, एक परत होती है जिसमें बारीक बारीक क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। एसपीएम में से केवल, एसपीएम में से, एसपीएम अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल, केवल विलायक, विलायक, विलायक का मतलब जैसे जल, विलायक के, विलायक के छोटे आकार के, विलायक के छोटे आकार के, विलायक के छोटे आकार के, छोटे आकार के अणु, विलायक के छोटे आकार के अणु पार कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, विलायक के छोटे आकार के अणु पार कर सकते हैं, विलय के अणु नहीं, विलय के बड़े आकार के अणु नहीं, विलय के बड़े आकार के, विलय के बड़े आकार के अणु नहीं, अणु नहीं। देखो बेटा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है सर, एक सतत सीट होती है, एक फिल्म होती है जिसमें बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिसमें से केवल क्या जा सकते हैं, विलायक के कणों का आकार छोटा होता है, तो विलायक के कणों तो उसमें से पार कर जाएंगे, लेकिन विलय के कणों को पार जाने नहीं देती है। जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली ये दो प्रकार की होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली आपकी, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो कितने प्रकार की होती है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली दो प्रकार की होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की बेटा? दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है भैया? सब ध्यान से देखना। जो पहली होती है वो होती है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली पहली होती है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। और जो दूसरी होती है, दूसरी होती कौन सी होती है भैया? दूसरी होती है संश्लेषित या कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाई जाती है, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली या आपकी दूसरी होती है। तो पहले मैं प्राकृतिक के बारे में बताता हूं और दूसरी में कृत्रिम के बारे में बताता हूं। तो पहले आपको क्या बता रहा हूं बेटा? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में बता रहा हूं, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है ध्यान से देखना। प्राकृतिक अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो प्राकृतिक का मतलब होता है या तो पेड़ पौधों से बनी हो या जीव जंतुओं से बनी हो। तो बेटा प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली क्या हो सकती है कि सर ये
जंतु, जंतु या वनस्पति, जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती है, जंतु या वनस्पति मूल की हो सकती है। जो आपकी प्राकृतिक झिल्ली होती है अर्थपारगामी झिल्ली, ये किससे बनी होती है? या तो जंतुओं की, तो जंतु मूल की होती है या वनस्पति मूल की होती है, सजीवों से बनी होती है, तभी उसका नाम क्या रखा गया? प्राकृतिक। जिसका उदाहरण अगर आप उदाहरण देखे, उदाहरण आपसे पूछे, तो उदाहरण जैसे आपसे प्राकृतिक का उदाहरण पूछे तो सुअर होता है ना, सुअर, सुअर जंतु मूल का बता रहा हूं उदाहरण, जंतु मूल में कि जो सुअर होता है, सुअर के ब्लेडर, सुअर के ब्लेडर या पार्चमेंट, सुअर के ब्लेडर या पार्चमेंट, सुअर का जो ब्लेडर होता है मतलब पित्ताशय होता है, ब्लेडर का मतलब पित्ताशय, पित्ताशय जो सुअर का ब्लेडर होता है, सुअर के ब्लेडर या पार्चमेंट की तरह, पार्चमेंट की तरह कौन से मूल की बेटा? जंतु मूल की, जंतु मूल की, जंतु मूल की क्या होती है बेटा? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जंतु मूल की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धपारगम्य झिल्ली में जो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसका जो उदाहरण बताओगे तो आप क्या बताओगे? सुअर का जो पित्ताशय होता है, ब्लेडर या पार्चमेंट होता है, उसकी तरह अर्धपारगम्य झिल्ली जंतु मूल की हो सकती है। जो आपकी दूसरी अर्धपारगम्य झिल्ली थी वो कौन सी थी? कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, कृत्रिम अर्धपारगम्य, कृत्रिम अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली। जो आपकी कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली होती है मेरे भाई, वो कौन सी प्रकृति की होती है? कि सर ये संश्लेषित प्रकृति की होती है, मतलब भैया ये कोई प्रकृति से प्राप्त नहीं होती है, मानव द्वारा बनाई जाती है। तो ये बेटा ये कैसी होती है? ये संश्लेषित, ये संश्लेषित प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है बेटा? संश्लेषित प्रकृति की होती है। ये संश्लेषित प्रकृति की क्या होती है? मतलब मानव द्वारा इसको बनाया जाता है। इसका उदाहरण अगर आपसे पूछे तो इसका उदाहरण क्या बताओगे? उदाहरण बताना सेलोफेन, सेलोफेन एक कंपाउंड होता है, सेलोफेन की तरह, सेलोफेन, सेलोफेन की तरह, सेलोफेन की तरह संश्लेषित प्रकृति की होती है। सेलोफेन की तरह कैसी प्रकृति की होती है? संश्लेषित प्रकृति की होती है, संश्लेषित प्रकृति की होती है, सेलोफेन की तरह संश्लेषित प्रकृति की होती है। तो भाइयों मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि सिर्फ प्रासरण शुद्ध विलायक किरणों का निम्न सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उस सांद्रता की ओर वी लेन में प्रवाह करना आपका प्रासरण है, या शुद्ध विलायक किरणों का प्रवाह वी लेन की ओर होना प्रासरण कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में बताया कि एक सतत सीट होती है जिसमें सूक्ष्म छिद्रों का जाल होता है, इस छिद्र में इतने, इस झिल्ली में इतने सूक्ष्म छिद्र होते हैं कि केवल विलायक के छोटे आकार के कण जा सकते हैं, विलायक के कण इसमें से बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में आपको अच्छे से समझाया। जो आज का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है अब, वो आपका रहने वाला है प्रासरण दाब, प्रासरण दाब, प्रासरण दाब क्या होता है? इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के तरीके से फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया बेटा, ये एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें मैंने क्या लगा दी? मैंने यहां पर लगा दी बेटा एक अर्धपारगम्य झिल्ली, ये एसपीएम लगा दी यहां पर, जिसमें क्या होते हैं कि जिसमें सर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये एसपीएम है, ये एसपीएम लगा दिया यहां पर, ये एसपीएम लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली। इसके अंदर मैंने शुद्ध विलायक भर दिया कि हाँ बिल्कुल सर, आपने पहले भी समझाया था कि ये तो आपका शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक की कंसंट्रेशन को कितना माना था सर? C1। यहां पर इसके बीच में क्या भर दिया भैया? इसके बीच में भर दिया मैंने विलयन। विलयन के अंदर क्या क्या होते हैं सर? विलयन के अंदर होते हैं, विलयन के अंदर होते हैं भैया विलय और विलायक। विलयन के अंदर क्या होते हैं बेटा? विलय और, विलय और विलायक। विलयन के अंदर होते हैं विलय और विलायक, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C2। और C2 कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन C1, तभी प्रासरण होता है। क्योंकि ये, क्योंकि यहां पर बेटा जो शुद्ध विलायक के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश कर जाते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रासरण कहा जाता है। लेकिन बेटा अगर मैं करूं कि पिस्टन का यूज करूं,
किसका यूज करूं, पिस्टन का। मैंने इस व्हील एन पे मान लो एक पिस्टन लगा दिया, डब्लू पिस्टन लगा दिया, और डब्लू पिस्टन के ऊपर मैंने कितना दाब लगाया, पाई दाब। अगर इस व्हील एन पे मैं मान लो पी कोई नॉर्मल दाब होता है, तब विलय कण किधर आते हैं सर, एसपीएम से होकर व्हील एन में। लेकिन अगर व्हील एन पर मैं अतिरिक्त प्रसरण अतिरिक्त दाब लगा दूं, तो वो दाब क्या करेगा, जो विलय के कण व्हील एन में आ रहे हैं उनको आने से रोक देगा, क्योंकि अब बेटा व्हील एन के ऊपर दाब लगा रहा हूं, तो व्हील एन वापस विलय की तरफ क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। तो बेटा प्रासन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। प्रासन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो प्रासन दाब की क्या परिभाषा लिखोगे, कि किसी विलयन पर, किसी विलयन पर, किसी विलयन पर लगाया गया, किसी विलयन पर लगाया गया, लगाया गया वह अतिरिक्त दाब, वह अतिरिक्त दाब, वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह, विलायक के अणुओं का प्रवाह, विलायक के अणुओं का प्रवाह, प्रवाह विलयन में, विलायक के अणुओं का प्रवाह निम्न सांद्रता से, निम्न सांद्रता से एसपीएम द्वारा, एसपीएम द्वारा उच्च सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता की ओर विलयन में होने से रोक देता है, विलयन में होने से रोक देता है, विलयन में होने से रोक देता है, रोक देता है, क्या कहलाता है बेटा, प्रासरण दाब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, प्रासरण दाब कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। और जो प्रासरण दाब का प्रतिक्षिण होता है वो क्या होता है बेटा, पाई होती है। मतलब बेटा प्रासरण दाब किसी भी विलयन पर लगाया जाने वाला एक ऐसा अतिरिक्त दाब होता है, जिसको लगाने से जो विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है वो विलयन में होना बंद हो जाता है, मतलब प्रासरण की क्रिया रुक जाती है। अगर आपको बात करूं बेटा, तो प्रासरण दाब भी एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रासरण दाब कैसा गुणधर्म है, प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म है बेटा, अनुसंख्यक गुणधर्म है, जो जो विलय के कणों की संख्या पर, जो विलय के कणों की, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर क्या करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर, विलय की प्रकृति पर निर्भर, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, जो कुल मिला के विलय कोई सा भी डालो लेकिन वो मात्रा पर निर्भर करेगा। किसकी मात्रा पर बेटा, विलय की मात्रा पर। आपको बताया जाए तो प्रासरण दाब होता है, प्रासरण दाब, जो प्रासरण दाब होता है वो मोलर, मोलर, मोलर सांद्रता के क्या होता है बेटा, मोलर सांद्रता के स्थिर ताप पर, परंतु ताप क्या होना चाहिए बेटा, स्थिर ताप पर जो प्रासरण दाब होता है वो मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। मोलर सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, यहां से जो आपका होता है पाई, वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे किसके समानुपाती होता है बेटा, मोलर सांद्रता के, मतलब एम आर टी। यहां से एक फॉर्मूला बनता है, पाई बराबर एम आर टी, और एम क्या है बेटा, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, और मोलरता किसमें आएगी हमेशा, ग्राम पर लीटर में। आर क्या है बेटा, अब यहां से मैं इस सूत्र को मोलरता को ऐसे भी लिख सकता हूं, पाई बराबर एन अपॉन वी लीटर इंटू आर टी। ये फॉर्मूला आप प्रासरण दाब ज्ञात कर सकते हो। सर पाई क्या है यहां पर, प्रासरण दाब, और प्रासरण दाब हमेशा किसमें ज्ञात करना होता बेटा, यहां पर प्रासरण दाब बार में या एटीएम में, या तो बार में या एटीएम में ज्ञात करना है।
एन क्या है यहां पर, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। आर क्या है यहां पर बेटा, गैस स्थिरांक। आर क्या है बेटा, गैस स्थिरांक। और गैस स्थिरांक का जो मान होता है वो 0.0831 लीटर इनटू बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जो गैस स्थिरांक का मान है वो कितना है, 0.0831 लीटर इनटू बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और जो टेम्परेचर है, टी का मतलब तापक्रम, और तापक्रम किस में रखना है बेटा आपको, केल्विन में रखना है। तो ये आपका प्राशन दाब था। प्राशन दाब की परिभाषा बताई, प्राशन दाब क्या होता है उसके बारे में बताया कि प्राशन दाब प्राशन की क्रिया को रोक देता है, और प्राशन दाब होता है वो मोल सांद्रता के क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है। पाई बराबर प्राशन दाब बार या एटीएम आता है, विलय के मोलों की संख्या, आर बराबर गैस स्थिरांक 0.0831 लीटर इनटू बार मोल इनवर्स, और टी क्या है आपका, टेम्परेचर है। अगर बात करें प्राशन के अनुप्रयोग, अगर मैं आपको बात करूं कि प्राशन के जो आपका प्राशन होता है, प्राशन के बता रहा हूं मैं, प्राशन दाब के नहीं, प्राशन के अनुप्रयोग, तो प्राशन के अनुप्रयोग बाद में बताएंगे, पहले आपको मैं बता रहा हूं प्राशन दाब के उपयोग, प्राशन दाब, प्राशन दाब के अनुप्रयोग। प्राशन दाब के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इधर ध्यान से देखो बेटा। पहला अनुप्रयोग याद रखना, जो जैव वृद्ध अणु होते हैं, वृद्ध अणु, वृद्ध अणु, जैसे आपके प्रोटीन हो गए, प्रोटीन हो गए, एंजाइम हो गए, एंजाइम हो गए, बहुलक हो गए, प्रोटीन एंजाइम बहुलक आदि का जो मोलर द्रव्यमान होता है, आदि का मोलर द्रव्यमान, प्रोटीन एंजाइम बहुलक कार्बोहाइड्रेट आदि का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कौन सी विधि द्वारा बेटा, प्राशन दाब विधि, प्राशन दाब विधि द्वारा, प्राशन दाब विधि द्वारा, प्राशन दाब विधि से ज्ञात किया जाता है, प्राशन दाब विधि से ज्ञात किया जाता है, प्राशन दाब विधि से ज्ञात किया जाता है। जो जैव अणु होते हैं जैसे प्रोटीन एंजाइम बहुलक आदि का मोलर द्रव्यमान किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है बेटा, प्राशन दाब विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो प्राशन दाब विधि होती है, प्राशन दाब विधि अन्य विधियों की तुलना में, प्राशन दाब विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी होती है, अधिक उपयोगी होती है। प्राशन दाब विधि अन्य विधियों की तुलना में क्या होती है, अधिक उपयोगी होती है। जिसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि जो प्राशन दाब का मापन होता है, क्योंकि इस विधि, इसका कारण यह कि इस विधि में मोललता के स्थान पर किसका यूज किया जाता है, मोलरता के स्थान पर किसका उपयोग होता है एवं प्राशन दाब का मापन कमरे के ताप पर किया जाता है। प्राशन दाब का मापन किस पे किया जाता है, कमरे के ताप पर किया जाता है। प्राशन दाब का मापन कमरे के ताप पर किया जाता है। किस प्राशन दाब विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसका ताप, उसका जो मापन होता है वो कमरे के ताप पर होता है। और जो इसका तीसरा यूज है, सबसे मेन वो यूज है कि जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान, जैव अणुओं का मोलर द्रव्यमान प्राशन दाब विधि द्वारा
देवणुओं का मोलर द्रव्यमान प्रासरण दाब विधि द्वारा, प्रासरण दाब विधि द्वारा किया जाता है। जैवणुओं का मोलर द्रव्यमान प्रासरण दाब विधि द्वारा किया जाता है क्योंकि क्योंकि जो जैवणु होते हैं, जैवणु कमरे के ताप पर, जैवणु कमरे के ताप से, जैवणु उच्च ताप से, जैवणु क्या नहीं होते बेटा, उच्च ताप पर स्थाई नहीं होते हैं। जैवणु उच्च ताप पर स्थाई नहीं होते हैं, जैवणु उच्च ताप पर स्थाई नहीं होते क्योंकि कमरे के ताप पर प्रासरण दाब को मापा जाता है, और जैवणु भी बेटा कमरे के ताप पर ही इनका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। उच्च ताप पर तो जैवणु स्थाई नहीं होते हैं, इसलिए जो प्रासरण दाब विधि के द्वारा ही जैवणु का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। तो आज का लेक्चर क्या था, सबसे पहले प्रासरण की परिभाषा, फिर प्रासरण की परिभाषा के बाद में प्रासरण अर्धपारगे में झिल्ली, फिर दोनों के प्रकार, फिर प्रासरण दाब की परिभाषा, और प्रासरण दाब की परिभाषा के बाद में उसका डेरिवेशन करने का तरीका, और प्रासरण दाब के अनुप्रयोग। कल के वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, और प्रासरण दाब के न्यूमेरिकल, और प्रासरण के अनुप्रयोग। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। कल इसी का पार्ट टू आने वाला है, आगे एक और वीडियो आने वाला है प्रासरण के ऊपर। फिर फाइनली आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान, वांटा, गुणांक, पढ़ा के पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको सोल्व करवाए जाएंगे, एमसीक्यू सोल्व करवाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करके बताना, और वीडियो को शेयर करना, लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।